वी द पीपल, हम लोग। अगर आपसे कोई व्यक्ति ये कहे कि नेता होना बहुत जरूरी है, नेता पैदाइशी होता है, नेता जो होता है वो बॉर्न होता है, यानी जन्म से ही नेता होता है, हर व्यक्ति नेता नहीं बन सकता और नेता के बिना काम नहीं चल सकता, तो आप उस व्यक्ति से सावधान हो जाइए। दरअसल भारत के अंदर दो तरह के नेता काम करते हैं। एक तो वो हैं जो बहुत थोड़े से लोगों के होते हैं, और एक वो हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों के, जिनको बहुजन बोलते हैं, उनके होते हैं, यानी अल्पजन और बहुजन। दोनों में अंतर होता है। इस अंतर को पूरी तरह से समझें, और ये बहुत प्राचीन तरह से प्रमाणिक है, पूरा का पूरा ये अनुभव पर आधारित है और देखा गया है। जो बहुत कम लोग होते हैं, अल्पजन होते हैं, उनकी समस्या ये होती है कि लोग उनके साथ नहीं होते, इसलिए वो एकल नेता, व्यक्तिगत नेता या किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। यानी उनका जो लीडर होगा, नेता होगा, जिसकी वो बात मानेंगे, वो उस व्यक्ति को इतना ऊपर बढ़ाते हैं, इतना ऊपर उसका नाम चढ़ाते हैं, इतनी ज़्यादा उसकी भक्ति करते हैं, चाहे वो गलत कहे चाहे वो सही कहे। ये बहुत प्राचीन समय से होता आ रहा है। इसका दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको हर हालत में इकट्ठे होकर रहना है, वरना वो मारे जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा कारण यह है कि जिस व्यक्ति को वो ऊपर चलाते हैं, जिसका गुणगान करते हैं, जिसकी भक्ति करते हैं, उसकी भक्ति और गुणगान को दूसरे लोगों में भी स्थापित करते हैं। इसलिए वो पहले खुद कहते हैं कि ये सबसे अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लाजवाब है, ये चमत्कारिक है, इसका कोई जवाब नहीं है, और फिर कहते हैं देखो हम इसको मान रहे हैं, तुम भी इसको मानो। और इसमें आर्गुमेंट या इसमें सवाल करने वाले की कोई जगह है नहीं, सिर्फ मानना ही मानना है, वन साइडेड है। जो बुद्ध या बुद्ध से पहले भारत के अंदर जो नीति चलती थी बहुजन के अंदर, वो थी गढ़ नीति, यानी बहुजन नीति, इसको समण नीति बोलते थे। इसके तहत में एक काउंसिल होती थी, एक गण परिषद होती थी, परिषद नहीं, शब्द तो बाद में शब्द आया है क्योंकि पाली में शय नहीं होता, परिषद। तो जो परिसा और परिषद होती थी, वो बहुत सारे लोग होते थे उसमें, जो सारे जानकार और बुद्धिमान लोग हैं वो चुने जाते थे, वो एक सामूहिक निर्णय करते थे, और सामूहिक निर्णय को दूसरे किसी व्यक्ति को बताने के लिए एक व्यक्ति को चुनते थे, जो गण का पति होता था, गण परिसा का पति होता था, उसको वो कहते थे कि हमने ये डिसीजन किया है, ये निर्णय किया है, आप इसको लागू करेंगे, आपके नाम से ये लागू होगा। ये नीति बुद्ध ने संघ में भी रखी। जो बहुत तेज तर्रार लोग होते हैं, जो नेता होते हैं और अपने आप को चाहते हैं कि जिंदगी भर नेता बने रहें और उनको माने, ऐसी व्यवस्था जो बहुजन है उन लोगों ने भी उन अल्पजन से अडॉप्ट कर ली है, और ये नेता बड़े चालाक हो गए हैं। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि देखो बुद्ध अकेला था, बुद्ध ने सारा का सारा काम किया, बुद्ध नेता था, और एक ही नेता होता है जो सोचता है। फिर वो कहते हैं कि देखो डॉक्टर अंबेडकर अकेले थे, डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले ही सब सोचा और वो अकेले ही नेता थे। तो नेता ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, ऐसा वो सिखाएंगे। मगर आप ये ध्यान रखना कि बुद्ध ने कभी भी कोई भी डिसीजन, निर्णय संघ के बिना लिया नहीं। पूरी परिषद बैठती थी, पूरा भिक्खु संघ बैठता था, वहाँ समस्या आती थी, उस समस्या का एनालिसिस होता था, बुद्ध उसको अनाउंस करते थे, मगर वो बाकायदा पास होती थी, उस पर बाकायदा निर्णय और बहुमत होता था। इस निर्णय को और बहुमत को आप विनय पीटक में देख सकते हैं कि जब समस्या आती थी तो कैसे वहाँ चुनाव होते थे, क्योंकि बुद्ध ने पहली बार बहुमत पर आधारित चुनाव को डेवलप किया और बनाया। पहले चुनाव के वो कमीशन रहे, आयोग रहे हैं, आयोग के चेयरमैन रहे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो पूरी व्यवस्था इतनी जबरदस्त दी है, संविधान पूरा बनाया जिसके अंदर गण पूरा होगा, और गण जिसमें लोकसभा या राज्यसभा होगी वो सारे निर्णय बनाएंगे, वो कमेटी होगी, और जो एक नेता माना जाता है वो नेता सिर्फ उसको लागू करेगा। यानी कैबिनेट का एक सारा निर्णय होता है, लोकसभा के सारे मेंबर उसको पास करते हैं, उस पर बहस होती है, और प्रधानमंत्री सिर्फ उसको
मानता है, और राष्ट्रपति का तो सिर्फ साइन ही होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो जो लोग कहते हैं कि बुद्ध ने अकेले ने देखो ये सारा किया और अंबेडकर ने अकेले ने किया, दरअसल वो आधी बात बताते हैं, पूरी बात नहीं बताते हैं। बुद्ध ने कहा था कि मेरे मरने के बाद में धम्म आपका लीडर होगा, धम्म आपका नेता होगा, धम्म के अनुसार ही आपको चलना है, धम्म को देखना, मुझे देखना हो तो धम्म को देखना। और बुद्ध ने मरते मरते भी ये कहा है कि आप धम्म के अनुसार चलो, उन्होंने कभी अपने नाम को आगे नहीं बताया। लोगों ने बाद में जबरदस्ती बुद्ध के नाम से धम्म को कहा, बुद्ध धम्म कहा, बुद्ध ने कोई धम्म नहीं दिया, बुद्ध ने सिर्फ जो नेचुरल धम्म है उसके बारे में बात की, कभी उन्होंने बुद्ध धम्म का शब्द इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे ही डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी भी ये नहीं कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, लोगों ने कहना शुरू किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो लोगों का संविधान दिया है, परिषद का संविधान दिया है, भारत का संविधान दिया है। मगर जो नेता बहुत चालाक हैं वो आधी बात बताएंगे, वो ये नहीं बताएंगे कि बुद्ध ने और अम्बेडकर ने काम सारा खुद किया, मगर उन्होंने लोगों की राय से और लोगों की जानकारी से और सारा कुछ उन्होंने लोगों के लिए किया, लोगों के द्वारा और लोगों से ही करवाया है, जो नीति गणनीति कहलाती है। क्योंकि उनको प्रधान बने रहना है, उनको आपके दिमाग में ये बात भरनी है कि नेता ही होना चाहिए, नेता बहुत जरूरी है और नेता पैदाइशी होता है। मतलब यहाँ तक भी वो कहते हैं कि नेता जो होता है माँ के पेट से पैदा होता है, नेता बनाया नहीं जाता। और बड़े एग्जाम्पल उसके वो देते हैं, ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि आदमी कई बार घूम जाएगा, साधारण व्यक्ति तो उसमें से कुछ निकाल नहीं पाएगा। भाई एक तरफ तो आप कहते हो कि व्यक्ति जो ब्राह्मण के मुंह से पैदा होता है, ब्रह्मा के मुंह से पैदा होता है, वो ब्राह्मण है, ये बिल्कुल झूठ है, गप्पे, हम इसको नहीं मानते। और दूसरी तरफ आप कहते हो कि नेता माँ के पेट से पैदा होता है। ये दो बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि किसी भी जानकार ने कभी नहीं कहा कि कोई लीडर या कोई नेता माँ के पेट से पैदा होता है या जन्मजात गुण होते हैं। दरअसल डॉक्टर अम्बेडकर पैदाइशी लीडर नहीं थे, डॉक्टर अम्बेडकर पैदाइशी स्कॉलर थे, उनको पढ़ने में बड़ा मजा आता था और उनको समझ आती थी चीज़ें। ये नेचुरल किसी का दिमाग हो सकता है कि किसी को साइंस अच्छी लगती है, किसी को मैथ अच्छा लगता है, किसी को सोशियोलॉजी अच्छी लगती है, जैसा उसका दिमाग उसमें चले, किसी को काम बहुत अच्छा लगता है। तो वो स्कॉलर थे और वो बहुत ज़्यादा आगे पढ़े, मगर जब वो पढ़े और देखा कि समस्या का समाधान नहीं है तो वो फिर लीडरशिप में आए, और वो मास लीडरशिप में नहीं आए, वो जो लीडरशिप में आए वो पॉलिटिकल लीडरशिप में आए, और उन्होंने धम्मिक लीडरशिप भी अडॉप्ट की, यानी कि वो धम्म के लीडर भी बने क्योंकि उसकी ज़रूरत थी, वो इकोनॉमिक लीडर भी बने क्योंकि पैसे की भी आवश्यकता थी, वो सोशल लीडर भी बने क्योंकि सोसाइटी की आवश्यकता थी। तो कोई कैसे कह सकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर पैदाइशी लीडर रहे, क्योंकि अगर वडोदरा के अंदर ये घटना नहीं घटती जहां उनको मारपीट के बाहर फेंका गया था, निकाला गया था, उनका सामान फेंका गया था, जिसको संकल्प दिवस के नाम से जानते हैं 23 सितंबर, तो वो लीडर बनने के लिए सोचते भी नहीं। इसका मतलब लीडर कभी भी बना जा सकता है, जब जरूरत हो, जब आवश्यकता हो, जब आपका मन इस तरफ मुड़ जाएगा हो जाएगा, और आप लीडरशिप छोड़ भी सकते हैं जब आपका मन हट जाए। बहुत सारे लीडर हैं जो बीच में छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए पैदाइशी कुछ नहीं होता, ये अल्पसंख्यकों का एक वाक्य है, वो कहते हैं कि पैदाइशी व्यक्ति कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि पैदाइशी कोई लीडर होता ही नहीं। कोई भी व्यक्ति जो 4 लोगों का नेतृत्व करता है वो 4 लोगों का लीडर हो सकता है, जो 40 का करता है वो 40 का हो सकता है, जो धम्म का नेतृत्व करता है वो धम्म का लीडर हो सकता है, जो किसी को अगर पैसे के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, अगर मनी मैटर के बारे में समझाता है तो वो उसका लीडर हो सकता है। कोई अगर डॉक्टरी के बारे में अच्छा काम करता है, डॉक्टर को पढ़ाता है, तो वो डॉक्टर का लीडर हो सकता है, आप उसको टीचर कह सकते हैं। कोई अगर कानून पढ़ाता है तो वो कानून का लीडर हो सकता है। कोई अगर खाना बनाना सिखाता है तो वो शेफ हो सकता है, वो खाना बनाने का अच्छा लीडर हो सकता है, नेता हो सकता है। फिर व्यक्ति कहते हैं कि ऑफिस में जो व्यक्ति बैठता है, जिनको ड्यूटी मिलती है, वो ऑफिस बेरर होते हैं, वो पद होता है, जो लीडर होता है वो अलग होता है। दरअसल लोग ये भूल जाते हैं कि नेतृत्व का एक लेवल होता है, जो नीचे का आदमी जो 4 लोगों को नेतृत्व देता है वो 4 का नेतृत्व है, उसकी कैपेबिलिटी, उसने अपने आप को जो डेवलप किया है वो 4 की है, और जो 4000 आदमी का नेतृत्व करता है उसकी कैपेबिलिटी अलग तरह की है, उसका काम अलग तरह का है। ये इंटरएक्शन हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक छोटा व्यक्ति जो एक छोटे समूह को, मोहल्ले को कंडक्ट करता है, मोहल्ले की लीडरशिप करता है, मोहल्ले को समझाता है, वो आगे चल के पूरे देश का भी नेता बन सकता है, और बने हैं ऐसे लोग। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि पैदाइशी जो होता है वो लीडर होता है, वो सिर्फ लीडरशिप करने के लिए होता है, और एक आम आदमी जो 4 लोगों को समझा रहा है वो बड़ा नहीं हो सकता। हो सकता है अगर वो मेहनत करे, जानकारी करे। ये बुद्ध ने भी कहा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है, आप दोनों के एग्जाम्पल से देख सकते हैं। बुद्ध ने सबसे पहले एक व्यक्ति को सिखाया, फिर
फिर 2 को सिखाया, फिर 5 को सिखाया, फिर 60 को सिखाया और फिर 50,000 तक भी पहुंचे और अब पूरी दुनिया को अभी भी वो सिखा रहे हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है, ये व्यक्तिवाद को बढ़ावा है। दरअसल जब हम ये कहते हैं कि ये पैदाइशी गुण हैं, जब हम ये कहते हैं कि ये पैदाइशी इसके अंदर ऐसी चीज़ है, जब हम ये कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता पैदाइशी होती है, जब हम कहते हैं कि पैदा होने के में जो लोग हैं वो एक काम कर सकते हैं एक नहीं कर सकते, तो हम व्यक्तिवाद को आगे बढ़ाते हैं, हम जो सिद्धांत है ब्रह्मा का उसको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे लीडर से सावधान रहिए, जो व्यक्ति जो काम करता है उसको किसी भी हालत तक कहीं तक भी बढ़ा सकता है अगर उसकी इच्छा है, अगर उसका मन है तो। इसलिए अब जो विदा पीपल लीडरशिप के बारे में बात करता है तो यहाँ व्यक्तिवाद की कोई जगह नहीं है। एक व्यक्ति सारे काम नहीं करेगा, एक व्यक्ति लीडरशिप नहीं करेगा, जिसमें जो क्षमता है वो अपनी क्षमता का इस्तेमाल करे और आगे तक काम करे। कोई किसी का यहाँ गुलाम नहीं रहेगा, सब एक परिवार में रहेंगे, क्योंकि जब व्यक्तिगत कोई लीडर बनता है तो वो डराता है, धमकाता है और कोशिश करता है कि वो बना रहे, अंतिम समय तक भी वो चाहता है कि लीडर बना रहे। ये बहुत बड़ी बीमारी है जो लीडर को पता नहीं होती और वो पूरे समूह का, पूरे संगठन का सत्यानाश कर देता है। लोगों के दिमाग में ये बात भरता है कि लीडर तो जरूर होना चाहिए, वो ये नहीं कहता कि मैं जरूर होना चाहिए। उसके पीछे जो कारण होता है वो कहता है कि अगर लीडर जरूर होना चाहिए तो मैं ही लीडर हूँ, मैं ही होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे देखे गए हैं जब किसी लीडर ने अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए और मेंटेन करने के लिए और हमेशा लीडर बने रहने के लिए, हमेशा नेता बने रहने के लिए अपने सारे सहयोगी लीडरों को ख़त्म कर दिया, अपने सारे सहयोगी नेताओं को ख़त्म कर दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जब कोई बहुत ज़्यादा काम करने वाला लीडर आता है, नेता आता है, तो उसको डर की वजह से जो नेता उस समय होता है वो उसको ख़त्म कर देता है, या तो उसको कहीं दूर भेज देगा, या ऐसा काम कर देगा जो हो नहीं सकता है, या उसको बदनाम करेगा, या उस पर पैसे का चार्ज लगा देगा, या उसको भगा देगा, या पिटवा देगा, या उसको काम नहीं देगा, या उसको गाली देगा, या गलौच देगा, किसी भी हालत में उसको हटा देगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं ने देखे हैं और जिससे मायूस होकर वो घर बैठ गए। विदा पीपल उन सब बातों को समझते हुए जिसमें जितनी क्षमता है वो अपनी क्षमता से जिस फील्ड में वो काम करना चाहे इंडिपेंडेंट रूप से भारत के संविधान के नियम के तहत और जो भगवान बुद्ध ने संघ के नियम बनाए थे उन नियमों के अनुसार वो काम को कर सकता है। विदा पीपल की फैमिली में यहाँ व्यक्ति और लीडरशिप के डेवलपमेंट में व्यक्तिवाद नहीं होगा। एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या चार व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेंगे, पूरा का पूरा गण परिषद आगे बढ़ेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाबा साहब ने दिया है उसी के अनुसार यहाँ काम होगा। धन्यवाद।